गाइज वेलकम बैक टू माई चैनल। नाउ एज द वीडियो टाइटल सजेस्ट, आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होने वाला है। सो मेक श्योर आप इसको अटेंटिवली पूरा एंड तक देखें, बिकॉज इसमें आपको ऐसे जेम्स मिलने वाले हैं। सो प्लीज़ इसको स्किप भी मत करना, वरना क्या बोलते हैं वो नज़र हटी और दुर्घटना घटी वैसा वाला सीन। सो बेसिकली इस वीडियो में बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगे हैं, बहुत ज़्यादा टाइम लगा है और बहुत सारी रिसर्च भी लगी है टू फिगर आउट कि क्या ऐसे टॉप 10 फीमेल इंटीमेट हाइजीन प्रोडक्ट्स हैं जो कि आज मैं आपके साथ में इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। इन जनरल व्हाट हैपेंस इज वी टॉक अ लॉट अबाउट हेल्थ केयर, ब्यूटी, स्किन केयर, हेयर केयर, बट व्हेन इट कम्स टू इंटीमेट हाइजीन ना देयर आर सो मेनी फीमेल्स एंड गर्ल्स एंड यू नो फीमेल्स इन जनरल आउट देयर जिनको पता भी नहीं होता इस तरीके के प्रोडक्ट्स भी एग्जिस्ट करते हैं टू इम्प्रूव फीमेल इंटीमेट हाइजीन। नाउ जब मैं इन प्रोडक्ट्स की बात कर रही हूँ, आई मीन यू नो नन ऑफ दीज ब्रांड्स हैव पेड मी टू टॉक अबाउट देयर प्रोडक्ट्स। इफ आई टॉक अबाउट पैड्स, आई एम टॉकिंग अबाउट पैड्स इन जनरल। अब वो किसी भी ब्रांड के ले सकते हैं। आई जस्ट वांटेड टू क्लियर इट आउट, मतलब होता है ना डिस्क्लेमर वगैरह देना। लेट्स क्विकली सी कि कौन से ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो कि यू नो पीरियड्स के ड्यूरिंग योर पीरियड्स एंड आफ्टर भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यूज़ करना टू मेंटेन यू नो इंटीमेट हाइजीन इन अ बेटर वे, क्योंकि उस टाइम पे हेल्थ इश्यूज जैसे एलर्जी, ओडर, यू नो बहुत ज़्यादा स्मेली हो जाता है, ठीक है, एंड कुछ किसी तरीके की एलर्जीज, इरिटेशन या फिर रैशेज या फिर इचिंग, इन सब के इशूज़ से ना आपको बहुत ज़्यादा बचा के रखने वाला है। आई एम सो एक्साइटेड बिकॉज इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत करी है इस वीडियो में। सो आई एम श्योर आपके लिए यूजफुल होने वाला है। सो नाउ विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स क्विकली गेट स्टार्टेड एंड लेट्स क्विकली सी कि व्हाट आर दोस टॉप 10 फीमेल इंटीमेट हाइजीन प्रोडक्ट्स। फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट इज दिस, आई एम श्योर यू मस्ट हैव सीन दिस, स्मॉल पैड बोलते हैं आजकल, ठीक है, लेकिन दीज आर कॉल्ड पैंटी लाइनर्स। नाउ पैंटी लाइनर्स क्या करते हैं, सबसे पहले वजाइनल डिस्चार्ज, तो वो रेगुलरली आपको ये वाली चीज़ यूज़ करनी चाहिए, उससे ओडर वगैरह की इशू भी नहीं रहता है। प्लस व्हेन यू आर डन विद योर पीरियड्स, लेकिन स्टिल लगता है कि फ्लो आ सकता है थोड़ा बहुत हेयर एंड देयर, लेकिन आपको हैवी थिक सा पैड नहीं लगाना एंड इट बिकम्स अनकम्फर्टेबल, ठीक है, तो उस टाइम पे आप इसको यूज़ कर सकते हो। अनदर थिंग, आई हैव डन क्वाइट अ फ्यू गर्ल टॉक वीडियोज़, उसमें भी काफ़ी सारे कमेंट्स थे कि ड्यूरिंग नाइट क्या होता है, मेंस्ट्रुअल कप ना लीक करता है, उस टाइम पे भी आप इसको लगा सकते हो बिकॉज इट विल टेक केयर ऑफ ऑल दैट स्टेन जो भी होने वाला है। इसका बस पीछे से इस तरीके के रैपर्स निकालो एंड यू जस्ट हैव टू स्टिक इट ऑन योर पैंटी एंड यू आर गुड टू गो। डू चेक दिस थिंग आउट बिकॉज इट्स वेरी 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 यूजफुल एंड क्वाइट वर्सटाइल, मतलब 2-3 जगह पे तो यूज कर ही सकते हो इसको। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दिस, यू स्प्रे टॉयलेट सीट सैनिटाइजर। फॉरगेट अबाउट ब्रांड, टॉयलेट सीट सैनिटाइजर इन जनरल अगर आपके पास में ऑलरेडी है तो यू कैन यूज इट। आई रिमेंबर मैंने इसके 2 पैक्स लिए थे अमेजोन से, बहुत टाइम हो गया। नॉट अ स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट बट इन जनरल ये इट्स अ हीरो प्रोडक्ट बिकॉज हमारे इंडिया में स्पेशली हम फीमेल्स को ना बहुत ज़्यादा इस तरीके से बिल्कुल डायरेक्ट कॉन्टैक्ट हो जाता है हमारा, अगर मैं पब्लिक टॉयलेट्स की बात करूँ, और उनका साफ सुथरी हालत में मिलना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, चाहे मॉल्स हो, एयरपोर्ट हो, ठीक है। मैं बहुत ज़्यादा कोशिश करती हूँ होल्ड करने की, लेकिन वो भी चीज़ अच्छी नहीं है, काफ़ी हद तक चल जाता है लेकिन जब निकालना ही पड़ता है तो यू हैव दिस, यू जस्ट छू 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 ऐसे स्प्रे कर लो। सो वंस यू डू दिस ना, उसके बाद में वो एरिया दैट टॉयलेट इज़ सैनिटाइज्ड प्रॉपरली, उसमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन वगैरह का चांसेस नहीं होता है। सो बेसिकली हमारी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है और हमको डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में जाना होता है, प्लस हमको आइडिया भी नहीं है, हम इमेजिन भी नहीं कर सकते कि उस टॉयलेट को, पब्लिक टॉयलेट को किस किस लोगों ने किस किस तरीके से यूज़ किया हुआ होता है। सो जस्ट सेफ साइड के लिए कैरी करो इसको, छोटा मोटा है, कॉम्पैक्ट इन साइज, आप उसको इजीली ट्रैवल भी कर सकते हैं। सो यू हैव टू हैव वन सच प्रोडक्ट इन योर टॉप 10 फीमेल इंटीमेट हाइजीन प्रोडक्ट्स। नेक्स्ट ऑन द लिस्ट इज दिस रॉकेट जैसा दिखने वाला टूल जिसको हम बोलते हैं फनल। आई एम श्योर आपने सुना होगा, देखा होगा, नहीं देखा है तो ठीक है, इट्स अ न्यू थिंग, तो आप मेरी रिसर्च के लिए इस वीडियो पे लाइक मार सकते हैं। सो दिस इज फ्रॉम पी बडी स्टैंड एंड पी, ब्रांड कोई सा भी आप ले सकते हैं। रॉकेट उड़ रहा है, बताओ समझते ही नहीं हो आप लोग। सो बेसिकली इसको यूज़ करके जस्ट लाइक हाउ मेल डू ना दिस थिंग, तो आप उस तरीके से ईजिली पी कर सकते हो। नाउ इंडिया में क्लीन टॉयलेट मिलना तो मुश्किल है ही, बता ही दिया, लेकिन इन केस आपको कॉन्टैक्ट में जाना ही नहीं है, सीट सैनिटाइजर भी नहीं यूज़ करना है, आपको बैठना ही नहीं है उस पर, तो क्या ऑप्शन है? इतनी जिद भरी पड़ी है तो ब्रांड को ना इस तरीके का स्टैंड एंड पी निकालना ही पड़ा, इन्वेंट करना ही पड़ा। सो दिस इज़ वन सच प्रोडक्ट जो कि बहुत ज़्यादा ईजी कर देता है, स्पेशली फॉर प्रेगनेंट लेडीज़ जो कि यू नो बेंड नहीं हो सकती या फिर आपको स्कॉट नहीं पॉसिबल हो सकता उस टाइम पर, एंड स्पेशली वेरी गुड फॉर ट्रैवलिंग जब आपको हाईवेज वगैरह बहुत ज़्यादा दूर दूर है एंड आपको वॉशरूम ना इज डिफिकल्ट टू फाइंड, तो उस टाइम पे ना ये चीज़ बहुत सेफ है। अगर आप मिल भी जाता है तो भी आप उसको यूज़ करके एंड देन यू जस्ट बी इन द राइट पोजीशन, खड़े होके एंड आराम से, ठीक है, समझ गए ना। नो एग्जैचुरेशन ऑन द ब्रांड, आप किसी भी ब्रांड का आप ले सकते हैं बट इट्स रियली गुड। मैंने बहुत टाइम पहले मंगाया था, 10 का पैक आया था, 3-4 अभी भी पड़े हैं, सो मैंने सोचा सजेस्ट कर देते हैं इन केस ऑफ एजड पीपल या फिर बच्चे हैं, तो उस केस में एंट्री आती है इन डिस्पोजेबल टॉयलेट सीट कवर्स की। आप इनको यूज़ कर सकते हो, काफ़ी सारे ब्रांड्स के आपको अमेजोन पर मिल जाएंगे, सिंपली यूज़ करो एंड देन डिस्पोज इट ऑफ। फाइनली Let's take a deep breath and let's talk about periods. So basically during periods हर किसी की अपनी अपनी choice है. Like there are different people. वो हाथ वाला example 5 उंगलियाँ कभी बराबर नहीं होती. So there are so many people who are comfortable with pads. Some people are comfortable with tampons. If you ask me personally कि मैं आपको क्या suggest करूँगी जो मैं use करती हूँ या फिर कोई पैड का ऑल्टरनेट. सो अब आप बोलोगे कि यार क्यों चाहिए भाई पैड का ऑल्टरनेट, चलता तो आ रहा है इतने टाइम से. सो बेसिकली बहुत सारे ड्रॉबैक्स होते हैं. पीपल हु आर फैन ऑफ यूजिंग पैड्स ना, या फिर जो कंफर्टेबल मान ही चुके हैं कि यार इससे ज़्यादा कंफर्टेबल कोई चीज़ हो ही नहीं सकती, तो सुन लो मेरी बात, ड्रॉबैक्स बहुत सारे हैं. आपको हर 3-4 आवर्स में चेंज करना पड़ता है. नहीं चेंज करोगे लीकिंग का इशू, और उसके अलावा जो ओडर आता है, जो बदबू आती है, सीरियसली वो चीज़. उसके अलावा पैड्स यूज़ करने से ना किसी का साइज़ यू नो पैड्स का थिक होता है, किसी का पतला होता है. सो डिपेंडिंग अपॉन दैट किसी को रैशेस भी हो जाते हैं, इरिटेशन भी हो जाती है एंड सो ऑन. सो देर आर सो मेनी हेल्थ इश्यूज रिलेटेड टू दैट. एंड टेम्पॉन्स तो मैं मेरी लाइफ में कभी किसी को सजेस्ट नहीं करूँगी, कभी नहीं करूँगी. सो इफ़ यू आस्क मी पर्सनली वॉट आई यूज़ सिंस लास्ट 4-5 ईयर्स, इट हैज़ टू बी मेंस्ट्रुअल कप. नो ऑर्डर, चेंज वगैरह करने का भी इशू नहीं है. ऐसा नहीं है कि आपके पीरियड्स एक ही बार में निकल जाएंगे, ऐसा नहीं होता. बट वंस यू बाय इट ना, इट इज़ गोइंग टू लाइक यू नो सर्व यू फॉर 10 लॉन्ग ईयर्स. मतलब आपको 10 सालों में फिर इसको चेंज ही नहीं करना है. 12 to 14 आवर्स में आपको इसको एक बार बदलना होता है एंड दैट्स इट. कोई लीकिंग नहीं होती, स्पेशली ओडर से छुटकारा मिल जाता है, विच यूज टू बी माई मेन इशू. मतलब मुझे बहुत ज़्यादा ट्रबल होता था इस टाइम पे, लीकिंग बहुत ज़्यादा हो जाती थी और स्मेल तो बहुत ज़्यादा आती थी. सो इन ऑल दीज केसेज मेंस्ट्रुअल कप hands down is my favorite. It's very safe to use और जितना पैसा बचा लोगे ना, I'm telling you, मतलब मज़ा आ जाएगा. This is how a menstrual cup looks like. यहाँ पे आपको ये stem मिलता है जो कि आपके you know बाहर की तरफ रहता है and then you have to just fold it like this. And बहुत सारी you know techniques है जिससे आप उसको fold करके insert कर सकते हो. It's very easy. कुछ अपन pads के drawbacks की बात कर रहे थे right? So मुझे अभी कुछ और याद आ रहे हैं. So basically वहाँ पे आप कुछ regular activities नहीं कर सकते हो, just like you have to skip swimming, exercise, क्योंकि वो चीज़ें possible नहीं हैं while you are wearing pads. But with this, everything is possible. Now that we are talking about menstrual cup, it's equally important to sterilize this. Now इसके लिए I have this gyno cup, जिसमें आपको hot boiling water लेके and 10 to 15 minutes तक अपने menstrual cup को रखना होता है. So this is a must for every menstrual cup user. Please keep in mind that I no longer wear pads, लेकिन एक certain age group के लिए ना pads ही comfortable होते हैं instead of tampons या फिर cups. So उस case में try to select good brands, the new experience for them. तो अच्छा ही होना चाहिए right? Let's talk about something जो कि हमारा साथ कभी नहीं छोड़ने वाला है. मतलब पीरियड्स भी एक टाइम के बाद में छोड़ देते हैं, लेकिन ये भी छोड़ेगा उस टाइम पे. आई एम टॉकिंग अबाउट पीरियड पेन. सो उस टाइम पे ना ये पैचेस बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहते हैं. अगर आप चाहें तो हॉट वाटर बैग कैरी कर सकते हैं अगर आप में उतना करने की है. व्हाइल यू आर ट्रैवलिंग ना, तो वो चीज़ बिल्कुल भी प्रैक्टिकल नहीं लगती है, और उस केस में एंट्री मारते हैं ये इन्वेंशन नया नया जो कि है पीरियड पेन पैच का. ये बहुत ज़्यादा कूलिंग सेंसेशन देता है. इसमें यूकलिप्टस ऑयल है जिसकी ठंडक ना आपको बहुत पेन रिलीफ कम करने में काम आएगी. बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है ये. सो पीछे का बस ये रिमूव करके आपको उसको लोअर एब्डोमेन में स्टिक करना होता है जहाँ पे यू आर फीलिंग द मोस्ट, लाइक आई एम टॉकिंग अबाउट पेन, और स्टिक कर दो एंड उसके बाद में यू आर सॉर्टेड. आप अपने रूटीन वर्क इजीली कर सकते हो. हॉट वाटर बैग के साथ में ना क्या होता है, आपको एक काम मिल जाता है कि ये लगाना ही है, या कोई और जाना चाहिए, आपको लगाता रहे. इसके साथ में ये लगाए, ये अपना काम करता रहेगा एंड आप अपना काम करते रहो. वैसे चाहे दिमाग खराब हो नहीं हो, लेकिन हॉट वाटर बैग और इतनी सारी मुसीबत लगती है मुझे कभी कभी क्योंकि प्रैक्टिकल नहीं है. नाउ सिंस वी हैव एक्सेस टू दीज काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स, तो आई थिंक ये बहुत ज़्यादा यूजफुल है. डू ट्राई देम आउट. मैंने अभी रिसेंटली सिरोना के ट्राई किए थे. बहुत सारे और भी ब्रांड्स अवेलेबल हैं अमेजोन पे, यू कैन चेक देम आउट. नेक्स्ट अप इज इंटीमेट वाइप्स. Now they are basically wet wipes, but specifically for your vaginal area. Now मैं इनको regularly बिल्कुल use नहीं करूँगी. अगर आप बिल्कुल भी आप इस वीडियो से इन्फ्लुएंस मत होना कि कोमल ने बताया लेके आएंगे हम आज ही यूज़ करेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है. आई विल नेवर एवर सजेस्ट यू गाइज टू यूज़ इट ऑन फ्रिक्वेंट बेसिस, लेकिन स्पेशली व्हेन यू आर ट्रैवलिंग तो होता क्या है, जब आपको फील होती है, आपको वॉश करने का लगता है कि आपको क्लीन करना है, उस टाइम पे वाटर एक्सेसिबल नहीं है या प्लेस ऐसी यू नो सही नहीं है, उस केस में यू हैव एक्सेस टू दीज काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स जिनको आप इजीली कैरी कर सकते हैं. इट्स नॉट गुड फॉर एवरीडे यूज़. सिर्फ उन दिनों के लिए बचा के रखो जब आप घूमने जा रहे हो, मजे मार रहे हो. नेक्स्ट वी हैव दिस चड्डी. नाउ बेसिकली क्या करती है ये है स्टेन प्रूफ चड्डी, क्योंकि इस पर ये ब्लैक कलर की लाइनिंग दे रखी है और ये इमरजेंसी पर्पज़ के लिए बनी हुई है. यू डोंट हैव टू वेयर इट एवरी सिंगल डे. अगर वगैरह पहनते हो तो कोई इशू नहीं है, लेकिन इस पर लाइनिंग दे रखी है जो कि आपको सिर्फ और सिर्फ जैसे आपको लगता है कि पीरियड्स का कॉल आने वाला है लेकिन कब आने वाला है ये आपको श्योर नहीं है एंड यू वांट टू सेव योरसेल्फ फ्रॉम दैट स्टेन, तो उस केस में आप इस तरीके की पैंटीज ले सकते हैं जिनको आप पहन सकते हैं 3-4 आवर्स तक के लिए। ये आपको रिलैक्सेशन भी दे देगा, ये ब्लड फ्लो को यू नो होल्ड करके भी रख सकता है, लेकिन उसके बाद में अगर आपको पता चल ही गया है कि ऐसा हो रहा है फिर तो चेंज करोगे ही ना, वेदर पैड या फिर मेंस्ट्रुअल कप जो भी है, लेकिन एक बार इमरजेंसी के लिए यू हैव टू हैव वन, मतलब एक तो ऐसा होना ही चाहिए। दिस वन आई हैव इज फ्रॉम क्लोविया, इनकेस आपको अमेजॉन पे नहीं मिलती है तो उसका भी लिंक होगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इट्स विद मी सिंस 3-4 ईयर्स और काफ़ी यूजफुल है। वेल, एक और पॉइंट है अबाउट योर अंडरगारमेंट्स विच इज़ ऑलवेज ट्राई टू वेयर कॉटन अंडरगारमेंट्स बिकॉज प्रॉपर एयर पास होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो रैशेस का इशू हो सकता है। एक और जो चीज़ आप फॉलो कर सकते हैं विच इज़ जो डाइल्यूटेड डिटॉल वाटर होता है ना, उसमें आप अपने पैंटीज़ को अच्छे से वॉश कर सकते हैं जब भी व्हेन यू आर गोइंग थ्रू पीरियड्स, तो उस टाइम पे ना स्टेन वगैरह के साथ साथ स्मेल या ओडर का भी इशू नहीं रहता है। सो दैट वे यू विल कीप देम क्लीन एंड अवे फ्रॉम बैक्टीरियाज। नेक्स्ट एंड लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं कंप्लीटली अगेंस्ट हूँ यूजिंग एनी काइंड ऑफ इंटीमेट वॉशेज या फिर वजाइनल वॉशेज टू क्लीन यू नो इंटीमेट एरिया। मैं उठ के चली जाऊँ, शायद उस रिएक्शन से आपको पता चले कि मैं कितनी ज़्यादा अगेंस्ट हूँ, बट आई एम नॉट इवन किडिंग। मैं इमरजेंसी के लिए मैंने आपको ऑलरेडी सजेस्ट कर दिया, ट्रैवल टाइम के लिए आप थोड़ा सा इंटीमेट वाइप्स का सहारा ले सकते हो, लेकिन उसको एवरीडे में यूज़ नहीं करना है। नाउ how you will clean intimate area on everyday basis or maybe whenever you pee, so just water is enough to clean the queen, vagina is a queen, so वो अपना self cleaning process ना चालू होता है उनका, is just that कि आपको उस area को ड्राई रखना होता है। आई विल नॉट सजेस्ट यू गाइज टू यूज एनी काइंड ऑफ वी वॉशेज, वजाइनल वॉशेज, मैं बिलीव नहीं करती उन चीज़ों में बिकॉज पर्सनली वरना मेरे पास अभी 10 प्रोडक्ट्स होते हैं मैं आपको दिखा देती, मैं जनरली नहीं यूज़ करती एंड मैं इसीलिए आपको रिकमेंड भी नहीं करूँगी। अगर आप यूज़ करना चाहते हैं, कर भी रहे हैं तो इट्स बेटर, आपने डेफिनेटली कहीं ना कहीं से कंसल्ट किया ही होगा, लेकिन मैं कभी आपको रिकमेंड नहीं करूँगी। सो पानी की बात चल रही है तो ड्रिंक वाटर एज मच एज यू कैन, वो आपके बॉडी को भी डिटॉक्स करने के लिए अच्छा है, बहुत ज़्यादा पानी जाएगा, प्योर रहेगी आपकी सोल, फॉर्म, एवरीथिंग एंड यू विल बी अवे फ्रॉम एनी काइंड ऑफ हेल्थ इश्यूज, दैट्स ऑल आई मीन। या सो व्हेनेवर आई फिल्म दीज काइंड ऑफ वीडियोज ना, सच वीडियोज, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है, सेटिस्फैक्शन मिलता है दैट आई एम मेकिंग द मोस्ट ऑफ दिस यू नो पोर्टल, दिस स्पेस जहाँ पे मैं हूँ, जहाँ पे मैं बहुत सारे लोगों को मेरा मैसेज पहुँचा सकती हूँ एंड आई एम श्योर आई वॉज एबल टू हेल्प अ लॉट ऑफ गर्ल्स आउट देयर। जो भी प्रोडक्ट्स मैंने बताए हैं इनके लिंक्स होंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। डू नॉट गो ऑन द स्पेसिफिक ब्रांड, अगेन आई एम सेइंग कोई ब्रांड स्पेसिफिक नहीं है, इन जनरल मैंने प्रोडक्ट्स बताए हैं आपको तो आप यूज़ कर सकते हैं, बट अगर पर्सनली देखना चाहोगे कि मैं क्या यूज़ करती हूँ तो बस लिंक पे क्लिक करना है, दैट्स इट। विद दैट वी हैव कम टू एन एंड ऑफ दिस वीडियो और बताना आपको ये वाला वीडियो कैसा लगा। इन केस ऑफ एनी अदर क्वेरीज रिलेटेड टू दिस प्लीज मेंशन द कमेंट सेक्शन बिलो एंड आई विल सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वन। टिल देन खुद से ध्यान रखिए, खुद से प्यार करिए। हाँ, मैंने इतना वीडियो पूरा हिंदी में कर लिया और यहाँ पे पूरी अंग्रेजी आ गई। चलो मिलती हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुद का ध्यान रखिए, खुद से प्यार करिए और इस तरह की वीडियोज और भी देखना चाहते हैं तो मेंशन करिए और ये भी याद रखिए। तरह लव यू ऑल सो मच, सीधा हैप्पीनेस।